प्रश्न आपने पूछा है जी, कुछ क्रिटिसिज्म सामने नजर आ रहे हैं, लोग बातचीत कर रहे हैं, इकोनॉमी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि ग्रोथ रेट 6.7% रहने की उम्मीद है 7.3% से जी। और बहुत सारे लीडर्स जो कि बहुत सारे पहले मिनिस्टर्स भी रहे हैं वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इसको अगर दूसरी नज़र से देखें कि क्या इकोनॉमिक ग्रोथ ही केवल एक ऐसा पैरामीटर है जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ है या वीक है। पहली चीज़ बहुत जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है, अगर आपका फोकस, सरकार का फोकस इकोनॉमिक ग्रोथ से मूव करके या उसके ऊपर कंटिन्यू करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर जाता है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा महत्वपूर्ण है इकोनॉमिक ग्रोथ से जी। पिछले दो वर्षों में, पर्टिकुलरली तीन वर्षों की से ये सरकार है, दो वर्षों में ऐसा देखने में आया है कि सरकार का फोकस बहुत गरीबी को दूर करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, लोगों को एम्पावर करना, ऐसे ऐसे लोगों को जिसका जनधन खाता खोला गया, सब्सिडी रिमूव की गई और सब्सिडी कैश डायरेक्टली दी गई, इसी प्रकार से और ऐसे बहुत सारे मुद्दे अडॉप्ट किए गए, उठाए गए, जिससे कि एक जो बहुत लोअर तबके का व्यक्ति है, गरीब से गरीब व्यक्ति है, उसको किस प्रकार से सहायता दी जाए। जरूरी बात है, जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो ऐसा देखने में आया है पिछले कुछ वर्षों में, पर्टिकुलरली इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद 1991 के बाद, कि अमीर बहुत ज्यादा अमीर हो गए हैं और गरीब और ज्यादा गरीब हो गए हैं। गरीबों की बात की है तो इसमें तीन मुख्य योजनाएं थी सरकार की, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और जनधन योजना। नोटबंदी के बाद से आंकड़े कहते हैं कि तीनों ही योजनाएं जो हैं उनका स्तर बहुत ज्यादा गिर गया है, वो बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो पाई है, तो फिर गरीबों के लिए बेहतर चीज कैसी हुई? आपके पास में आऊंगा। देखिए, जो आपने प्रश्न किया है डीमोनेटाइजेशन का और दूसरा मुद्दा जीएसटी का है जी। डीमोनेटाइजेशन में लोग ये कह रहे हैं कि पूरा पैसा वापस आ गया, ये लेकिन भूल जाते हैं कि किस प्रकार के बैंक ऑफिसर्स ने गलत लोगों के साथ मिलकर के पैसे को एक्सचेंज किया और 2000 रुपए के नोट बहुत सारे लोगों के पास मिले हैं। उसे साफ पता लगता है कि इस बीच में भी कुछ गड़बड़ हुई। सर, ये तो फिर इम्प्लीमेंटेशन फेलियर हुआ ना, इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ हुई। दूसरी चीज ये है, इसके साथ साथ अगर वो पैसा 16 लाख करोड़ रुपए वापस रिजर्व बैंक में आ गया तो जरूरी बात है इसका मतलब जो पैसा लोगों के लॉकर्स में था, तकिए के नीचे था या जमीन में था, या वो वापस आ गया इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देश की अर्थव्यवस्था में काम आने के लिए, इसको हमें भूलना नहीं चाहिए।